गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। लीगा सेनेटर लीग का मैच हो रहा है बार्सिलोना वर्सेस ईएसएल के बीच 1.5 घंटे बाद 6:30 बजे। तो बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को पूछता है इतनी करें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो बार्सिलोना और ईएसएल में जो मैच होने वाला है इसके अंदर मैं फेवर करूंगा गाइज बार्सिलोना को। ईएसएल का तो दूर दूर तक फेवर नहीं करना हम लोगों ने। और पहले इनकी बात करें रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नवंबर को इस बंदे ने लास्ट मैच खेला था बार्सिलोना से, उसके बाद ये फीफा खेलने चला गया था। तो उस बीच के अंदर बार्सिलोना का एक भी मैच हुआ नहीं है। तो इसको लास्ट मैच में रेड कार्ड हैंड ओवर हुआ था 9 नवंबर को, आपको याद होगा, नहीं याद तो ये देख लो ठीक है। तो जब रेड कार्ड हैंड ओवर हुआ था तो आपको पता है कि वो वैलिड रहता है थोड़ा, एक तो पूरे मैच से बंदा बाहर हो जाता है, दूसरी बात नेक्स्ट एक दो मैच शायद नहीं खेल पाता, सस्पेंड हो जाते, तो मेरे को पता नहीं ये खेलेगा कि नहीं। इसलिए भाई इसको अगर आप टीम में ले रहे हैं तो अगर ये नहीं खेलता तो समझ जाना कि इसको रेड कार्ड हैंड ओवर है, मैं आपको पहली बता दूं। एंड जोशीलो की बात करें, जोशीलो इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ब्रैथवेट को मैं नहीं ले रहा, ब्रैथवेट आई डोंट मतलब ठीक नहीं लगता मेरे को, ठीक है मतलब अपनी जगह ठीक है। बाकी और नेक्स्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर हम लेंगे फेरन टोर्स को, क्योंकि फेरन टोर्स यहाँ पर एक अच्छी गेम संभाल रखी थी इसने। आगे से अगर बात करें एफ डी जोंग को यहाँ पर हम लेने वाले हैं, एफ डी जोंग रफीना अगर खेला तो लूंगा, अभी नहीं, अभी जब खेलेगा तब तक मैं को सेव कर रहा हूं। तो हमारे प्लेयर हो जाते हैं पैड्री वगैरह को भी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि जब तक प्रॉपर लाइनअप्स नहीं आ जाती ऐसे प्लेयर उठाने का कोई मतलब नहीं है। एंड दैरदर की बात करें और यहाँ पे सरजी दैरदर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको पता है लास्ट सीजन इसने पूरे सीजन में सिर्फ एक गोल किया था और लास्ट में एक दो गोल किए थे, और इस सीजन शुरुआत अच्छी की है और असिस्ट भी कर रहे हैं। एंड एक्सपोजिटो की बात करें, एक्सपोजिटो तो बढ़िया है बट इसको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए, क्योंकि आज इनकी टक्कर है बड़ी टीम के खिलाफ, आपको पता है आज इनकी टक्कर है एक बार्सिलोना जैसे मतलब एक ग्रेट टीम, जो बार्सिलोना एक अपनी सीजन की सबसे टॉप टीम है उनके साथ इन्होंने भिड़ना है, तो एक्सपोजिटो को खेलना चाहिए। आगे से अगर बात करें जॉर्डी आल्बा की, यहाँ पे लेंगे जॉर्डी आल्बा को, नेक्स्ट प्लेयर वॉज बैल्डे, ठीक है बैल्डे ने तो पीछे भी गेम संभाली मतलब ठीक ठीक खेलता है। आगे से अगर बात करें यहाँ पर है यहाँ पर हम लेंगे एंड्रियस क्रिस्टेंसन को, ये भी अच्छी गेम संभाल रहा था, इन सब ने इंटरनेशनल खेला था तो अब बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते आए हैं ये। एंड आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर लेंगे लेकॉम्प्टे को, लेकॉम्प्टे लास्ट मैच से खेल रहा था, क्योंकि क्या है कि एल्वेरो थोड़ा इंजर्ड चल रहा था, अब शायद एल्वेरो अगर ठीक हो गया होगा तो उसको खिला देंगे ये लोग, बट जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो मैं कहूँगा एल्वेरो को लेने का कोई यहाँ पे तुकी नहीं है, इसलिए अभी आप लेकॉम्प्टे को ले लीजिए। और आपको मैंने कुछ प्लेयर मार्क किए हैं, एक पैड्री एक रफीना, ठीक है इन दोनों को आपने लेना ही लेना अगर ये खेलेंगे, लेना ही लेना है अगर ये खेलते हैं, भले आपको कोई भी प्लेयर छोड़ने पड़े मैं भी ड्रॉप करूंगा। और दूसरी बात, अगर रॉबर्ट नहीं खेलता तो इसकी जगह पर कोई भी जो भी स्ट्राइकर खेलेगा लाइक डीपे एंसू फैटी हो गया, या फिर नीचे से कोई प्लेयर हो गया, आपने लेना ही लेना है, बट आपने टीम में आपने फेर बदलाव ज़्यादा नहीं करने, जिस प्लेयर को निकालोगे उसके बदले वही लेना है। मींस अगर आप स्ट्राइकर को निकालते हो तो स्ट्राइकर के बदले स्ट्राइकर ही लेना है, ऐसा नहीं कि आप डिफेंडर ले लो, ठीक है। आगे से अगर बात करें कैप्टन की, अभी मैंने कैप्टन रॉबर्ट को रखा है, वाइस कैप्टन अभी मैंने डेम्बल को रखा है, जो भी चेंजेस रहेंगे प्रॉपर वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।